Hello dear students, today we start second order linear partial differential equation, and in this segment we first study classification, then in subsequent lectures we study the canonical form of hyperbolic partial differential equation, parabolic partial differential equation and elliptic partial differential equation. After obtaining the canonical form, we find general solution of hyperbolic PDE and parabolic PDE. So let's start this lecture. Consider a general second order PDE, maybe A uxx plus B uxy plus C uyy plus D ux plus E uy plus F u equals to G, may be called as equation number 1. Here the coefficients A, B, C, D, E, F and G are basically the functions of x and y, independent variable x, y, or maybe the constant coefficients. So we also mention where a comma b comma c comma d comma e comma f and g are functions of x and y only, or constant. Okay, and dependent variable u twice continuously differentiable twice continuously differentiable. Okay, and coefficients a comma b and c can never be simultaneously vanish. भी होगा क्या अगर हमारे पास ए बी सी अगर जीरो हो जाए, अगर ए बी सी एक साथ जीरो हो गए, ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा. सो हमारे पास सेकंड ऑर्डर के बजाय वो हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि दीज थ्री कॉफिशेंट्स ए बी एंड सी ऑफ सेकेंड ऑर्डर टर्म कैन नेवर बी साइमल्टेनियसली जीरो ओवर डोमेन डी. ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डोमेन डिफाइन किया गया ओवर डोमेन डी विच इज एनी सबसेट ऑफ आर टू स्पेस. ओके, एंड जो यहाँ पर हमने ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियबिलिटी की बात की है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो हैपन्स इन दिस डी. ओके, सो ये हमने जनरल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कंसिडर कर लिए. उस पर कॉफिशियंट्स के लिए डिफाइन कर लिया कि भाई कॉफिशियंट्स क्या क्या हो सकते हैं. ओके, एंड देन क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो सारी यहाँ पर आपको मेंशन कर दी. फर्स्ट पार्ट अब इसका हमें स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी. दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडीई. बेसिकली क्लासिफिकेशन जो हमने इक्वेशन वन दी है उसी की क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं. सो इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? अब हमारे पास जो यू एक्स एक्स है इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास इक्वेशन वन जस्ट लुक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ पर कॉनिक सेक्शन के थ्रू द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ द इलिप्स.
तो सेम वे हम यहाँ पर भी उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें मेंशन भी कर देते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी या इक्वेशन वन इज सेम एज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कार्टिजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो वी कैन ऑल्सो मेंशन हियर क्लासिफिकेशन ऑफ वन इक्वेशन वन, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन वन इज सेम एज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मैं सम राइटर यूज एनालिटिक ज्योमेट्री। ओके, मैं मार्क भी कर देता हूँ कोऑर्डिनेट और एनालिटिक ज्योमेट्री। ओके, सो अब हमें बनकर यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना है। अभी जैसे वहाँ पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वस टू प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी समथिंग इस तरह से जो लेते थे। सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स है उससे हम वहाँ पर डिफाइन करते थे एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज पॉजिटिव, देन वी डिफाइन हाइपरबोला, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नेगेटिव, देन वी डिफाइन एलिप्टिक एलिप्स, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज जीरो देन वी डिफाइन पैराबोला। सो सेम वे हम यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशन। इक्वेशन वन ए रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलिक पीडी, और यू कैन से इक्वेशन वन इज सेट टू बी हाइपरबोलिक। ओके, वी मेंशन इक्वेशन वन इज सेट टू बी हाइपरबोलिक एट सम पॉइंट से एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ योर डोमेन डी, इफ वी हैव बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो एट एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, सो जो हमारे पास कॉफिशियंट्स होंगे, अगर वेरिएबल कॉफिशियंट है तो उसमें हम x के प्लेस पे x नॉट, y के प्लेस पे y नॉट पुट कर देंगे, और यू कैन सिंपली मे बी राइट लाइक दिस b स्क्वायर एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट माइनस फोर a एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट इनटू c एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। इन द सेम वे यू कैन राइट इक्वेशन वन इज सेट टू बी पैराबोलिक एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इन डी, इफ बी स्क्वायर एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस फोर ए एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इन टू सी एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज जीरो। सेम वे यू कैन डिफाइन इक्वेशन वन इज सेड टू बी इलेप्टिक एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सॉरी वी मेंशन दिस कोएफिशिएंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, b स्क्वायर एट x नॉट कॉमा y नॉट माइनस फोर ए एट x नॉट कॉमा y नॉट इंटू c एट x नॉट कॉमा y नॉट इज लेस देन जीरो। ओके, सो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं। हम पहले सिंपल सिंपल इक्वेशंस के आपको यहाँ पर एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं, देन आप कोई भी इक्वेशन पिकअप करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट भी होंगे, वेरिएबल कॉफिशियंट भी आप ले सकते हैं। कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट्स में आपको पॉइंट का कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा, आप जो पॉइंट्स हैं आपके एक्स नॉट वाई नॉट इन डी उसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो वी कंसीडर सम एग्जांपल्स। ओके, कंसीडर सम एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन,
कंसीडर इक्वेशन मे बी डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर विद द कोफिशियंट से मे बी एक्स प्लस सम वाई टाइम्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस समथिंग यू इक्वस टू से मे बी जीरो. ओके, यू कैन टेक एनी फॉर्म. सो हमारे पास मेन जो कंसर्न होगा वो सेकेंड ऑर्डर टर्म्स का है, केवल उनके कोफिशिएंट्स का होगा. सो वी कैन कंपेयर विद द इक्वेशन वन, देन वी गेट ए एज एक्स, वी एज वाई एंड सी एज वन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ठीक, अच्छा यहाँ पर मैंने डोमेन नहीं स्पेसिफाई किया. सो नॉर्मली जब भी अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोगों ने 10+2 से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है और वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कुछ इक्वेशन में डोमेन स्पेसिफाई होगा, कुछ में आपको डोमेन नहीं दिया गया होगा. अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर डोमेन नहीं दिया होता है तो जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जिस स्पेस पर डिफाइंड है वो होल स्पेस इज कंसिडर्ड एज द डोमेन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो हम यहाँ पर डी अभी होल ऑफ आर टू कंसिडर कर लेते हैं. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. नाउ अब हम कंप्यूट करते हैं, व्हाट इज द बी y square minus 4 a is x c is 1. So this is y square minus 4x. ये हमारे पास b square minus 4ac आ गया. अब भाई r2 plane है, इसको हम geometrically थोड़ा सा interpretate कर लें. अगर हम इस r2 plane को यहाँ पर देखें, say maybe this is our r2 plane which is the d. okay, अब इसमें y square minus 4x मान लीजिए हम 0 ले लेते हैं. suppose दिस वन इज जीरो. अब ये जीरो कब होगा? ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज जीरो. इससे क्या मिला? वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स विच इज अ पैराबोला. एक पैराबोला आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ग्राफिकली इसको बनाता भी चल रहा हूँ. ओके, मे बी वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स दिस पैराबोला. लेट्स चेंज द कलर. सो अब हमारे पास ये जो पैराबोला हमने बनाया है, ओके, इस पैराबोला पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पर हमारा ये वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. तो इन रेड वाले पार्ट्स पर, जो मैंने रेड शेडेड पार्ट दिया है, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज जीरो ऑन दिस कर्व्ड लाइंस. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज जीरो. कहाँ पर जीरो है? वाई स्क्वायर इक्व टू 4x पर. ओके, तो ये यहाँ पर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक. अब भाई वाई स्क्वायर माइनस 4x को मैंने कर लिया ग्रेटर देन जीरो. नेक्स्ट वाई स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन जीरो. इससे क्या होगा? वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x. ठीक, अब वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x कहाँ पर बनेगा भाई? यहाँ पर सपोज ये मेरे पास x तो इसी पोजीशन पे, लेट्स अगेन चेंज द कलर. मैं बात कर रहा हूँ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x की. ओके, सो अब यहाँ पर तो जीरो आ रहा था. ठीक, x मैंने ये रख रखा है, y मैंने ये कर लिया. ठीक, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पर टेक करता हूँ तो मेरा x तो यही रहेगा फिक्स. ठीक, ये x यहाँ पर भी फिक्स रहा, यहाँ पर वाई स्क्वायर और जो 4x है वो दोनों बराबर हो गए थे. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, देन आवर वाई स्क्वायर इज बेसिकली ग्रेटर देन द 4x. इन द सिमिलर वे इस नीचे वाले सेगमेंट में क्या होगा? वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x. तो आपको जो ये सेगमेंट्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं इनके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x आपके अबव पार्ट में हो रहा है. सो इसके अंदर क्या नेचर आपको मिलेगा? हाइपरबोलिक. तो आपकी गिवन पीडी है वो हो जाएगी हाइपरबोलिक. ठीक है, इसी तरीके से हम अगले केस ले सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज लेस देन जीरो, यानी वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन फोर एक्स होना चाहिए. तो इसमें आपका क्या मिलेगा? इलेप्टिक. मैं उन रीजन्स में भी मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ सो ज़्यादा क्लियर हो सके. तो हमारा ये जो रीजन है दिस वन, इसके अंदर क्या मिलेगा? इलिप्टिक.
और ये इसके अंदर क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक। और ये जो आपका रेड वाला पार्ट आ रहा है, ये दिस वन, इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, पैराबोलिक। ओके, सो इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, पैराबोलिक नेचर ऑफ योर पीडी। सो इस तरीके से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स हैं, जो नेचर है वाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स, जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं, एक दो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल मे बी कंसीडर हीट इक्वेशन, और अभी मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्स और वाई के अंदर से ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर। जो वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन है, उनको हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। दिस वन इज बेसिकली वेव इक्वेशन, हम इसको पूरा नॉर्मली, ये वेव इक्वेशन आपको बेसिकली डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर में मिलेगी, जो वन डायमेंशनल हम वेव इक्वेशन का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिमिलरिटी रखने के लिए मैंने वेरिएबल्स को चेंज कर रखा है। इसका हम एक बार नेचर चेक करते हैं। ओके, सो हमारे पास कोएफिशिएंट देख लेते हैं, व्हाट इज द ए इज वन, व्हाट इज द बी इज जीरो एंड व्हाट इज सी। तो सी इज बेसिकली स्मॉल सी, नॉट कैपिटल सी। ओके, सो यू कैन नोट इट, दिस इज द स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल सी स्क्वायर। ओके, नाउ कंप्यूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पर सारे आपके कोएफिशिएंट्स जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, सो आप बड़े इजीली इनको पुट कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज जीरो माइनस, अच्छा एक चीज, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दी, आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये क्या मिलेगा आपको, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये सी जो कैपिटल सी था वो आपको माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो दिस इज फोर, ए इज वन, सी इज माइनस सी स्क्वायर, सो विच इज फोर सी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन जीरो। यानी वेव इक्वेशन आपकी क्या होती है, हाइपरबोलिक इन नेचर। वेव इक्वेशन क्या हो गई, हाइपरबोलिक इन नेचर। थर्ड वन मे बी कंसीडर डेल टू यू, सॉरी डेल यू ओवर डेल एक्स इक्व टू से सम अल्फा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ओके, इसको रीअरेंज कर लीजिए, मीन्स डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस अल्फा टाइम्स डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो। इसके लिए अभी मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, दिस इज बेसिकली हीट इक्वेशन। ओके, ये है हीट इक्वेशन। अब इसका नेचर क्या होता है वो हम यहाँ पर एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टर्म है, तो इसका तो हमें कोई इंक्लूजन करना नहीं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में हमें इंक्लूजन चाहिए सेकेंड ऑर्डर टर्म्स का केवल। तो ए हमारे पास यहाँ पर कितना है, जीरो है, वी कितना है, जीरो है, सी कितना मिल गया, माइनस अल्फा। सो नाउ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कंप्यूट किया, बी जीरो माइनस फोर ए जीरो, सी इज माइनस अल्फा। सो ये आइडेंटिकली आपका कितना हो गया, जीरो। इट मीन्स हीट इक्वेशन इज पैराबोलिक इन नेचर। तो जो आपको हीट इक्वेशन दी जाती है वो होती है पैराबोलिक इन नेचर। नेक्स्ट से मे बी फोर्थ वन, कंसिडर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो। दिस वन इज बेसिकली लाप्लास इक्वेशन। ओके, लाप्लास इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं, ए इज सिंपली वन, बी इज जीरो, वॉट इज द सी इज वन। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी जीरो माइनस फोर, ए इज वन, सी इज वन विच इज माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो। इट मीन्स लाप्लास इक्वेशन इज इलेप्टिक इन नेचर। सो आप कोई भी वेरिएबल कोएफिशिएंट या कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलेप्टिक, ठीक है। एंड जो आपका ये नेचर है वो किन पॉइंट्स पर हो रहा है उनको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड इलेप्टिक केसेस।